हाय, दिस इज़ कमलदीप हेयर। आज हम बात करने वाले हैं उन सेंसेस के बारे में जो इट इज़ के साथ शुरू किए जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे बहुत से सेंसेस हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इट इज़ ईजी, यानी कि बहुत आसान है। इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इट इज़ ईजी टू हर्ट समवन, किसी को ठेस पहुँचाना बहुत आसान है। आजकल हर जगह नफरत है, बहुत आसान हो चुका है दूसरों को हर्ट करना। इट इज़ ईजी टू क्रिटिसाइज अदर्स, दूसरों की आलोचना करना बहुत आसान है, पर बात जब खुद पर आती है तब पता चलता है। इट इज़ ईजी टू बाय ऑनलाइन, ऑनलाइन ख़रीदारी करना बहुत आसान है, बहुत सी वेबसाइट्स हैं, यंगस्टर्स खूब ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं। इट इज़ ईजी फॉर मी टू डिफ़ीट हिम, उसको हराना मेरे लिए बहुत आसान है, मैं जानता हूँ अपने पोटेंशियल के बारे में। नेक्स्ट, इट इज़ बैड, यानी कि बहुत गलत है। इट इज़ बैड टू बोरो मनी, उधार लेना गलत है, खुद कमा कर खर्च करने चाहिए। इट इज़ बैड टू मेक नेम्स, नाम बिगाड़ना गलत है, बच्चे अक्सर करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको समझाना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, हारमोनी के साथ रहना चाहिए। इट इज़ बैड टू मेक फेसेस, मुंह चिढ़ाना गलत है, लेकिन बच्चों को क्या समझाना, कई बार तो बड़े भी ऐसा करते हैं, नहीं करना चाहिए, गलत है। इट इज़ बैड टू स्वेलो च्युइंगम, कई बार क्या होता है बच्चे च्युइंगम को निगल लेते हैं, गलत है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। इट इज़ बैड टू स्लीप आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद एकदम सो जाना गलत है, समय होना चाहिए खाना डाइजेस्ट हो सके। नेक्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट, कठिन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस, आइस पर चलना कठिन है, फ्रिक्शन होती नहीं है, फिसल जाते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्विट स्मोकिंग, एक स्मोकर्स के लिए स्मोकिंग को छोड़ देना बहुत कठिन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़ एवरीबॉडी, सबको खुश करना बहुत कठिन है, हर बंदे का अपना अपना सोचने का ढंग है, जीने का नज़रिया है, तो इसीलिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़ एवरीबॉडी, सबको खुश करना बहुत कठिन है भाई। नेक्स्ट, इट इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन, बहुत मुश्किल है, मतलब एक मुश्किल से ऊपर वाली स्टेज, नामुमकिन है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो एवरीथिंग, सब कुछ जानना नामुमकिन है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतनी सारी नॉलेज है, एक व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है सब कुछ जानना। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट वाटर, पानी के बिना जीना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। कई बार क्या होता है हम ये भी सेंटेंस यूज़ करते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड यू, कई व्यक्ति नॉर्मल नहीं होते, उन्हें समझना बड़ा नामुमकिन है, तो हम कहते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड यू। नेक्स्ट, इट इज़ फुलिश, बेवकूफ़ी है। इट इज़ फुलिश कमिटिंग सुसाइड, आत्महत्या करना बेवकूफ़ी है, अगर कोई प्रॉब्लम है उसका सामना करना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ जीना चाहिए, पर कई लोग आत्महत्या करते हैं जो एकदम से बेवकूफ़ी है। सो इट इज़ फुलिश कमिटिंग सुसाइड। इट इज़ फुलिश आर्ग्यूइंग विद हिम, उसके साथ बहस करना यानी कि बेवकूफ़ी है, इलॉजिकल बंदा है, इरेशनल बंदा है, बस अपनी ही मारता रहता है, तो हम कहते हैं इट इज़ फुलिश आर्ग्यूइंग विद हिम। इट इज़ फुलिश गोइंग आउटसाइड एट दिस टाइम, इस समय बाहर जाना बेवकूफ़ी है, पीछे से भारत बंद था उस समय बाहर जाना बेवकूफ़ी थी, सब कुछ सिस्टम कलेप्स हो चुका था, तो उस समय बाहर जाकर परेशानी का सामना करना बेवकूफ़ी होती है, तो हम कहते हैं इट इज़ फुलिश गोइंग आउटसाइड एट दिस टाइम। सो दोस्तों, ये थे कुछ सेंसेस जो इट इज़ के साथ स्टार्ट किए जाते हैं, ऐसे आप बहुत से सेंसेस बना सकते हो इट इज़ के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर अपकमिंग वीडियोस। अगर आप चाहते हो कि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। इंग्लिश सीखने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। धन्यवाद।